हम कहते रहे कि आतंक को टारगेट करो, लेकिन कांग्रेस की सरकार आतंक को नहीं मोदी को टारगेट करने में लगी रही। गुजरात के खेड़ा में पीएम मोदी ने आतंक की बात की और कांग्रेस पर निशाना लगा दिया। बात आगे बढ़ी तो प्रधानमंत्री ने हमले को और तीखा किया। भारत माता की। गुजरात चाहता था कि आतंक का ये खेल खत्म होना चाहिए। भाजपा सरकार ने यहां गुजरात में आतंक के स्लीपर सेल पर बड़ी बारीकी से कार्रवाई की। यहां हम गुजरात में आतंकियों को पकड़ते थे, उन पर कार्रवाई करते थे, लेकिन साथियों कोई भूल नहीं सकता कि कैसे तब दिल्ली में बैठी कांग्रेस सरकार आतंकियों को छुड़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती। गुजरात में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत पर नजर टिकाली है, लेकिन ये भी हकीकत है कि पिछले 27 सालों से सरकार भी बीजेपी की ही है, लिहाजा उन मुद्दों का भी इस्तेमाल हो रहा है जिन पर कांग्रेस अक्सर घिर जाती है। जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस के नेता आतंकियों के समर्थन में रोने लगे, रोने। कांग्रेस आतंकवाद को भी वोट बैंक की नजर से देखती है। अब भारत आतंकियों के घर में घुसकर उन्हें खत्म करता है, लेकिन कांग्रेस हो या वोट बैंक के भूखे कुछ दल, ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं, हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर भी सवाल उठाते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कह रही है कि बाटला हाउस को याद क्या कराना, बढ़ती महंगाई को देखो। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्दाफाश किया है उन राजनीतिक दलों का, खास करके कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने सदैव राष्ट्र नीति पर और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर वोट बैंक की राजनीति की है। अरे भाई, 8.5 साल से आपकी सरकार है, आज आप आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री आतंकवाद का डर दिखा रहे हैं, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग बाटला हाउस का नहीं सुनना चाहते मोदी साहब, लोग पूछ रहे हैं कि वो जो गैस का बाटला है वो कितने का कर दिया आपने। आज बाटला हाउस की बात कर आप केवल और केवल इसको ध्रुवीकरण पर ले जाना चाहते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी आतंकी और आतंकवाद की बात शुरू करके तुष्टीकरण तक भी पहुंचे और बिना नाम लिए आम आदमी पार्टी को भी घेरा। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, अब तो ऐसी भांति भांति के दल पैदा हुए हैं। ये दल भी शॉर्टकट की राजनीति में यकीन करते हैं, उनको तो सत्ता की भूख भी जरा तेज है, वो वोट बैंक की राजनीति करने पर उतारू है, एपीजमेंट तुष्टीकरण के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है। तो क्या कोशिश गुजरात चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण की है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा लगातार आफताब और लव जिहाद की बातें कर रहे हैं, तो केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी गुजरात चुनाव से पाकिस्तान की एंट्री करा चुके हैं। आज तक ब्यूरो।